हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रिएक्शन इंडिया में। तो एक बार फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो होने वाली है नेपाल से। तो नेपाल से क्यों होने वाली है? क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं वो पहुंच चुके हैं नेपाल। और ये वीडियो मतलब एक दो दिन पुरानी है, लेकिन उनके पहुंचने पे जो सबसे भारत भी हैरान हो गया। हाँ, जो इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो ये हुई है कि भाई साहब लाखों लोगों की, कह सकते हैं हजारों लोगों की भीड़ आई। और जो मतलब जो बताता है ना कि बाबा जी की फैन फॉलोइंग है, और ये फैन फॉलोइंग सिर्फ सनातन के लिए है, सनातन राज्य के लिए, सनातन एक संस्कृति के लिए है। तो नेपाल में एक बार बाबा का जो ये मतलब जो भी वीडियो आई है ना, हालांकि अभी जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो है अभी सिर्फ 2 दिन के लिए नेपाल गए हुए थे, और 2 दिन में वहां पे जो जनसैलाब उमड़ के आया था वो देखने लायक था, जिसको नेपाल ही नहीं बल्कि भारत भी देख के हैरान हो चुका है। ऐसा ही टाइटल एक हमारे सामने आया है आज, नेपाल पहुंचे बागेश्वर महाराज, जन सैलाब देख भारत भी हुआ हैरान करके। तो बेसिकली हम लोग एज अ इंडियन, हम इसलिए शौक है देखो इंडिया में, क्योंकि फैन फॉलोइंग तो है, क्योंकि लोग इतने भक्त हैं ना बागेश्वर बाबा के और हनुमान जी महाराज के, कि वो लोग पहुंच रहे हैं लाखों की संख्या में। तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि नेपाल में भी ये क्रेज देखने को मिलेगा, और नेपाल में ये चीज देखने को मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो हम पहले वीडियो देखते हैं, और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देश दुनिया भर में बागेश्वर महाराज के नाम से लोकप्रिय बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत के पड़ोसी देश नेपाल में 5 दिवसीय आयोजन में पहुंचे हैं। जिस आयोजन के पहले वे नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर नेपाल वासियों के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के आसपास की सारी सड़कें भी जाम हो गईं। मंदिर प्रांगण में खड़े होने की जगह तक नहीं बची। पूरे मंदिर के आसपास जय सिया राम के नारे लगने लगे। बागेश्वर महाराज ने पशुपतिनाथ पहुंचकर भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक किया, जिसके बाद हजारों लोगों के अभिवादन को स्वीकार भी किया। नेपाल वासियों ने बागेश्वर महाराज का नेपाली रीति रिवाज के साथ जोरदार स्वागत भी किया है। गौरतलब है कि नेपाल के उद्योगपति वरुण चौधरी के द्वारा 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन करवाया जा रहा है, जिस आयोजन में शामिल होने बागेश्वर महाराज नेपाल पहुंचे हैं। बागेश्वर महाराज की 5 दिवसीय हनुमंत कथा नेपाल के शाश्वत धाम नवलपुरा में होने जा रही है, जिसको देखते हुए विगत दिनों से नेपाल में तैयारियां भी चल रही थी, जिसका पूरा आयोजन नेपाल के उद्योगपति वरुण चौधरी देख रहे हैं। Thank you.
जैसा कि आप सभी ने देखा कि भाई साहब ये सिर्फ प्रताप है एक हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को कह सकते हैं, उनको बाबा तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो खुद ही कहते हैं मैं कोई बाबा नहीं हूँ, शास्त्री जी मैं शास्त्री जी हैं, तो शास्त्री जी जो है हमारे मतलब पूज्य हैं, गुरुदेव हैं, तो उनके उनका जो प्रताप है ना ये दिख रहा है। हालांकि जब वो नेपाल के एयरपोर्ट पे पहुंचे थे ना वहीं पे जय श्री राम के नारे शुरू हो गए थे, काफी ज्यादा भीड़ हो गया था और वो भीड़ फॉलो करते हुए उनको मतलब पशुपतिनाथ मंदिर में जब वो पूजा अर्चना करने आए वहां तक पहुंची। तो ये एक दिखाता है ना एक कि बाबा का जो प्रताप है वो सिर्फ भारत में ही नहीं नेपाल में भी काफी ज्यादा सराहा जा रहा है। और एज अ इंडियन होने के नाते, एज अ भारतीय होने के नाते, आप लोगों ने बाबा को इतना सम्मान दिया, महाराज जी को इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी तरफ से कि हम नेपाल वासियों ने इतना सम्मान दिया। बहुत अच्छी बात है, नाइस। तो और लेकिन इसी तरीके से प्यार देते रहिए हमारे बाबा जी को और वो देखिए अभी आगे क्या क्या करते हैं। और हालांकि उन्होंने दरबार लगाया, दिव्य दरबार लगाया, दरबार की भी कई सारी वीडियो है, हम उसके ऊपर भी रिएक्शन देंगे। हालांकि तो हमने क्योंकि हमारे कई सारे जो नेपाल से भी जो लोग हमें देखते हैं उन लोगों ने रिकमेंड किया था हमें कि आप लोग जो है बाबा जी के ऊपर वीडियो बनाइए, वो नेपाल आए हुए थे तो हमने उसके बाद वीडियो बनाया। मतलब इतना ज्यादा क्रेज था, हमें नहीं पता था, पहले हमने नई वीडियो देखा हुआ था, अचानक से एक वीडियो हम लोगों ने देखा। तो वैसे बाबा जी की वीडियोस को हम बहुत पहले से फॉलो करते हैं, जब से वो फेम आए उनसे पहले भी लोग जानते थे उनको, बट इतना नहीं था, अब जो है बहुत ज्यादा उनको जानते हैं। 6-7 महीनों से ना लोग ज्यादा मतलब अब जागरूक हुए हैं, जब से पहले क्या हुआ था काफी लोग ना मतलब शास्त्री जी के जो ये सिद्धि है, जो भी कह सकते हैं ये गुरु जी का प्रताप है उनके गुरुदेव का, उसके ऊपर काफी सवाल उठाए गए, काफी चीजें उठाई गई, लेकिन बाद में जब कुछ नहीं हुआ तो लोग अंत में आ ही गए, चरणों में गिर गए कि नहीं आप सही हैं। बिल्कुल, और वो सही भी हैं। तो ये सही है और ये चीज है भाई, ये देखो ये सब सच्चाई होती है। तो लोग कुछ लोग नहीं मानते हैं, उनकी अपनी पर्सनल हो गई, लेकिन हाँ जो नहीं मानता उसी लिए तो बाबा टहल रहे हैं, उनको मनवाएंगे दिखाएंगे। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा रिएक्शन तो आप हमें बताइएगा, और अगर आप दरबार में शामिल हुए हैं तो आप कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर आप बता सकते हैं। बिल्कुल, हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय।